मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश जिसके तहत बसों में दिव्यांगों को 50% किराए में छूट देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका पालन बस संचालकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ पीड़ा आगर मालवा जिले के कुछ दिव्यांगों ने हमारे संवाददाता से सामने व्यक्त किया। जब इन दिव्यांगों की पीड़ा से हमारे संवाददाता ने आगर के जिला परिवहन अधिकारी शैलेंद्र निगम को अवगत कराया और पीड़ितों ने उनकी शिकायती आवेदन उन्हें दिलाए गए, तो अधिकारी ने दोषियों पर कार्यवाही करते हुए शासन के इस आदेश का पालन कराने हेतु शीघ्र ही बस संचालकों की एक बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित करने का आश्वासन हमारे संवाददाता को दिया है। सर, ये विकलांगता वाला जो मामला है उससे हमने आपको अवगत कराया है। बस ऑपरेटर हैं वो शासन की योजना का इनको लाभ नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आपके द्वारा क्या किया जाएगा? मेरे द्वारा ये पहले आपके द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इसके पहले अभी तक कोई भी एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आई। यद्यपि ये बात निश्चित रूप से परिवहन आयुक्त महोदय ने भी सभी RTOs के संज्ञान में लाए हैं और हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं नियमित रूप से, और इस प्रकार बस ऑपरेटर्स अगर जो दिव्यांगजन हैं उनको अगर वाहन में जो शासन के नियम अनुसार 50% की छूट दी जाना चाहिए, अगर वो नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये संज्ञान अगर मैं पदस्थ दौरान पहली बार मेरी संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया, तो निश्चित रूप से इस पर हम कार्रवाई करेंगे और इसमें एक मीटिंग भी हम करेंगे अभी, और ताकि सभी बस ऑपरेटर्स को अच्छी तरह संज्ञान में लाया जा सके। और जिन लोगों ने ये अभी जो आपने जो नंबर्स और हमें जो बताए हैं उन पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करके और आपको भी अवगत कराएंगे। थैंक यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।